गलियों से उसकी हर दिन सुबह शाम गुजरता था, चेहरा उसका देख में दिल को सुकून सा मिलता था। उसकी एक ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। बैक माय यूट्यूब चैनल सदाम एडिटिंग में। सो गाइस कैसे हो आप लोग, उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। गाइस आज की इस वीडियो में बहुत ही कमाल की एडिटिंग होने वाले, जिसे कि भी आपने स्टार्टिंग पार्ट पर देखा या अभी स्क्रीन पर चल रहे वीडियो देख रहे हो, गाइस इस तरह के वीडियो अगर आपको बनानी है अपनी बैकग्राउंड में स्काई में जो किसी लड़की का फोटो कुछ इस तरीके से लगानी है, तो गाइस इस वीडियो को आप बिना स्किप किए अंत तक जरूर से देख लीजिएगा। साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस तरह के वीडियो हमेशा पाने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के ऑल पे भी सेलेक्ट कर लीजिएगा, इससे आपको हर एक न्यू वीडियो को जो नोटिफिकेशन है आपको हमेशा मिलती रहेंगे। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को जो है स्टार्ट कर लेते हैं। सो है गाइज, इस वीडियो को एडिट करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल का जो कैन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेनी होगी। तो मैं यहां पर जो है अपनी कैन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद यहां पर आपको अपनी वीडियो जो है आपको सेलेक्ट कर लेनी होगी। सेलेक्ट करने के बाद गाइज यहां पर अपनी वीडियो को जो भी स्टारा पार्ट होगा इसको स्प्लिट करके अपनी वीडियो को स्टारा पार्ट को आपको डिलीट कर देनी होगी। करने के बाद गाइज यहां पर देख सकते हो, तो मैं जो कुछ इस तरीके से आपको वीडियो आपको पहले शूट कर लेनी होगी। यहां पर देख सकते हो, तो मैं अपनी वीडियो को जो पहले से शूट करके ऑलरेडी मैं यहां पर एड करके रखा हूं गाइज। तो यहां इसी तरीके से आपको भी एक वीडियो शूट कर लेनी होगी जिसका बैकग्राउंड जो है वाइट होनी चाहिए। तो गाइज मेरे रूम के अंदर मैं इस वीडियो को शूट किया हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो गेट का जो काला जो ब्लैक ब्लैक लाइन है वो दिख रहा था गाइज। अगर आप को अच्छे सा बैकग्राउंड मिल जाते हैं वाइट में तो आपको बहुत अच्छा से आपको वीडियो क्वालिटी देखने को मिल जाएंगे गाइज। तो देन गाइज यहां पर इस वीडियो को आपको क्या करना है, इस वीडियो पर क्लिक कर देना है और यहां थ्री डॉट पर क्लिक कर देना गाइज। यहां पर आपको करने के बाद डुप्लीकेट लेयर आपको कर लेनी होगी और गाइज यहां पर बैकग्राउंड वाले वीडियो पर जो है क्लिक कर देना है और यहाँ रिप्लेस पर क्लिक करना है गाइज। यहाँ पर एक बैकग्राउंड आपको ऐड कर लेनी होगी, तो मैं यहाँ पर जो है बैकग्राउंड को ऐड कर लेता हूँ गाइज। यहाँ पर देख सकते हो इस बैकग्राउंड को मैं यहाँ पर ऐड कर चुका हूँ और यहाँ गाइज पेन एंड जूम पर क्लिक कर देना है। उसको जो है कुछ दो उंगली से आपको उसको कुछ इस तरीके से आपको फुल स्क्रीन में ऐड कर लेनी होगी अच्छे से। एंड यहाँ पर एंड पोजिशन पर आपको क्लिक कर देना और यहाँ से बैक आ जानी है। बैक आने के बाद गाइज यहाँ पर आपको क्या करना है, अपनी वीडियो पर क्लिक कर देना होगा गाइज। और क्लिक करने के बाद थोड़ी सी स्क्रॉल कर देना, यहाँ पर देख सकते हो एक स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। इस पर क्लिक करके यहाँ से जो अपनी वीडियो को फुल स्क्रीन में ऐड कर लेनी है और यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद क्या, यहाँ पर स्टार्टिंग में आ जाना है और स्टार्टिंग में आने के बाद क्या, यहाँ पर क्या करना है, इस अपनी वीडियो पर क्लिक कर देना है, थोड़ी सी स्क्रॉल करना है गाइज। यहाँ पर देख सकते हो एक बेलेडिंग वाले ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, इस पर क्लिक कर देना है। और आपको यहाँ पर क्या करना होगा गाइज, यहाँ पर देख सकते हो मल्टीप्ले का ऑप्शन देखने को मिल जाती है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे गाइज यहाँ पर देख सकते हो इस तरह की चीज़ें आपकी वीडियो देखने को मिल जाएंगे गाइज। तो यहाँ से बैक आ जाना, बैक आने को थोड़ी सी नीचे करना है गाइज। यहाँ पर देख सकते हो एड एडजस्टमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाती है, इस पर क्लिक करके अपने वीडियो के हिसाब से जो है इसका एडजस्ट आपका वीडियो को जो कलर एडजस्ट आपको कर लेनी होगी। तो मैं यहाँ पर जो कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, तो अपने वीडियो के हिसाब से कर लेनी होगी गाइज। तो मैं यहाँ पर जब कुछ इस तरीके से मैं कर लेता हूँ गाइज। और करने के बाद गाइज यहाँ से बैक आना है, बैक आने के बाद गाइज यहाँ पर स्टार्टिंग में आ जाना है और यहाँ लेयर पर क्लिक कर देना है गाइज और मीडिया पर क्लिक कर देना है। जो भी लड़की का फोटो इसमें यूज करना चाहते हो उस फोटो को यहाँ पर ऐड कर लेनी होगी। बट गाइज इससे पहले अपने फ़ोटो को जो है आपको PNG बना लेनी होगी, उसका बैकग्राउंड जो है रिमूव कर लेनी होगी। तो गाइज अगर आपको मालूम है बैकग्राउंड रिमूव कैसे करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है मालूम तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। मैं ऑलरेडी उस पर वीडियो बना चुका हूँ, तो आप उस वीडियो को देख कर आप बहुत ही आसानी से किसी भी फ़ोटो का जो बैकग्राउंड है गाइज उसको आप रिमूव कर सकते हो। तो गाइज मैं यहाँ पर उस फोटो को जो है मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। तो गाइज देख सकते हो मैं इस फोटो को यहाँ पर जो है ऐड कर चुका हूँ। ऐड करने के बाद गाइज यहाँ पर देख सकते हो एक क्रॉपिंग वाले ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, इस पर क्लिक कर देना है। इसको जो यहाँ से ऑन कर देना है गाइज। ऑन करने के बाद इसका जो फेडर है गाइज कुछ इस तरीके से आपको बढ़ा देनी होगी, कुछ इस तरीके से आपको कुछ इस तरीके से 30 पे आपको रख देनी होगी और यहाँ से बैक आ जाना। बैक आने के बाद थोड़ी सी इसको जो है जूम करके बड़ा कर लेना गाइज और इसको जो है यहाँ पर अच्छे से आपको ऐड कर देनी होगी कि कुछ इस तरीके से गाइज। यहाँ पर देख सकते हो मैं यहाँ पर जो है ऐड कर चुका हूँ। ऐड करने के बाद गाइज यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक कर देना, इसको जो है सेंड टू बैक पे आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पर देख सकते हो
ये जो है कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएंगे गाइस। तो यहाँ पर इसको अच्छे से आपको एडजस्ट कर लेनी होगी। देन गाइस इसका जो लेयर है इस पूरी वीडियो की बराबर में कर देनी होगी आपको। तो मैं यहाँ पर जो इसको बराबर में कर देता हूँ, और करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको क्या करना है, थ्री डॉट पर जो है क्लिक कर देना गाइस, और इसको यहाँ से इस फोटो को जो है डुप्लीकेट कर लेनी होगी। तो मैं यहाँ पर डुप्लीकेट कर लिया हूँ। डुप्लीकेट करने डुप्लीकेट वाले लेयर पर आपको क्लिक रहने देना ऑलरेडी, और अब यहाँ से नीचे आ जाना गाइस। यहाँ पर देख सकते हो तो एड एडजस्टमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पर क्लिक कर देना गाइस। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो सेचुरेशन का ऑप्शन जो आपको देखने को मिल जाते हैं, इसको पूरी आपको मैनेज कर देनी होगी कुछ इस तरीके से गाइस। यहाँ पर देख सकते हो पूरी आपको मैनेज कर देनी होगी, और यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद गाइस यहाँ पर वो क्या करना है, थोड़ी सी स्क्रॉल करना है गाइस। यहाँ पर देख सकते हो ओवरले एनिमेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाते, इस पर क्लिक कर देना है, और यहाँ से देख सकते हो प्लस वाले जो ऑप्शन है इसको आपको फिल्टर को आपको सेलेक्ट कर लेने होंगे एनिमेशन को, और यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद गाइस यहाँ पर क्या करना है, इस थ्री डॉट पर क्लिक कर देना, और यहाँ पे जो है आपको सेंड बैकवर्ड पे क्लिक कर देना गाइस। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको क्या करना है, लेयर पर क्लिक करना है और मीडिया पर क्लिक करना, एक इफेक्ट वाले वीडियो जो है गाइस वो आपको मिल जाएंगे। सभी भी मटेरियल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे के रखा हूँ, तब वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस मैं इस वीडियो को यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। तो गाइस इस वीडियो को मैं यहाँ पर ऐड कर लिया हूँ। ऐड करने के बाद इसको जो है फुल स्क्रीन में ऐड कर लेनी होगी। तो मैं यहाँ पर जो फुल स्क्रीन में ऐड कर लिया हूँ। यहाँ से बैक आ जाना है, थोड़ी सी स्क्रॉल फिर से कर देना, फिर से वैलिडिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है गाइस, और इसको जो यहाँ से आपको स्क्रीन कर देनी होगी। करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद गाइस यहाँ पर देख सकते हो ये वीडियो जो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएंगे गाइस। फिर गाइज आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में आ जाना है, लेयर पर क्लिक कर देना, मीडिया पर क्लिक कर देना, एक शैडो वाले फोटो आपको देखने को मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में गए, तो आप वहां से उसको भी डाउनलोड कर लेनी है, और इसको मैं यहां पर जो है ऐड कर लेनी हूँ। तो मैं यहां पर जो इस शैडो वाले फोटो को मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ गाइज। यहाँ पर देख सकते हो इसको थोड़ी सी बड़ा कर लेना, जूम करके अच्छे से आपको नीचे में जो है एडजस्ट कर लेनी होगी, अच्छे से ऐड कर देनी है। तो मैं यहाँ पर जो अच्छे से ऐड कर देता हूँ गाइज। यहाँ पर देख सकते हो मैं यहाँ पर जो कुछ इस तरीके से मैं इसको ऐड कर चुका हूँ गाइस। इसका भी लेयर गाइस जितना बड़ा वीडियो है उसके बराबर में आपको कर देनी होगी। तो मैं यहाँ पर जो इसको भी बराबर में कर दिया हूँ गाइस। तो गाइस फाइनली जो वीडियो है कंप्लीट हो चुके। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो ये वीडियो जो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपको वीडियो जो है आपको लड़की वाले फ़ोटो जो उसमें देख सकते हो, लाइट अप डाउन होता है गाइस कुछ इस तरीके से, जो कि देखने में काफ़ी अमेजिंग लग रहा है गाइस। तो गाइस इस वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किए तो प्लीज़ दिल से लाइक कर दीजिए, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए गाइस हमेशा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे शुरू से सेलेक्ट कर लीजिए गाइस। इससे आपको हर एक न्यू वीडियो को जो है नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहेंगे। देन गाइस इस वीडियो को सेव करने के लिए यहाँ सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और यहाँ सेव वीडियो पर क्लिक करेंगे ये आपके गैलरी में जो है सेव हो जाएंगे।